उधम सिंह नगर के खटीमा में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण के वर्गीकरण का जो आदेश दिया गया है, उस पर जहां पूरे देश में एससी और एसटी समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, वहीं इसका असर आज खटीमा क्षेत्र में भी हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर पूरे खटीमा क्षेत्र में केंद्र सरकार के विरुद्ध रैली निकाली और तहसील परिसर में एकत्र होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। इस संबंध में उन्होंने उप जिला अधिकारी खटीमा के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन दिया। अरविंद कुमार जिला पंचायत सदस्य का कहना था कि जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण की व्यवस्था की है, इसका हम विरोध करते हैं। वही एसके सेन अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर जन कल्याण समिति खादिम ने भी इसका विरोध किया है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय महोदय को एडीएम साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णयादेश जारी किया गया था कि एससी एसटी समाज ने जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। हमने ये मांग की है कि आगे सत्र बुला करके संसद में अनुसूची 9 में जो है इसको पारित करा करके और जो यथास्थिति है हमारे आरक्षण की उसको जो है रहने दिया जाए, इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए, क्योंकि अभी तक आरक्षण पूर्ण रूप से तो लोगों को मिल भी नहीं पाया है एससी एसटी के लोगों को, क्योंकि राज्य सरकारों ने वैसे भी आरक्षण को तोड़ मरोड़ करके लागू कर रखा है। जो केंद्र में 15% एससी को और 7.5% एसटी को है, लेकिन वो राज्यों में वैसे भी नहीं लागू है। जनसंख्या के आधार पर पहले की 2011 की जनसंख्या के आधार पर उस आरक्षण को जो है दिया गया है। हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि पुनः जनसंख्या जातिगत जनगणना करा करके आरक्षण को जो है उस हिसाब से नियुक्त किया जाए कि भाई जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी। पूरा प्रकरण ये है, आपको सर्वविदित है, पूरे देश में व्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त करने के लिए भारत की सरकार को अध्यादेश जारी किया कि इसमें आप निर्णय लें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयर हुए थे वो भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ और उसके खिलाफ आदेश की कॉपी ला करके सरकार को दी है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारा आरक्षण एज इट इज रहना चाहिए। हमारे आरक्षण में ये थोड़ी दे रहे हैं, ये तो हमारे बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के दिए हुए में छेड़छाड़ करेंगे, हम मर मिटने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो आज लगभग और कौन कौन से चेंज की बात की जा रही है? कौन चेंज के क्या मतलब? ओबीसी का, एससी एसटी ओबीसी का चेंज करने की बात आ रही है, उसमें विशेषकर एससी का किया जा रहा है। एससी को क्रीम लेयर करके के उसमें आपस में फूट डालने का प्रक्रिया बनाई जा रही है, वो हम नहीं होने देंगे। आपको गुड नेम? एसके सेन।